ईसा मसीह में आदरणीय भाई और बहनों, सिर पर यहूदियों का एक महत्वपूर्ण त्योहार था। यह पर्व 7 दिन का होता था। इस पर्व के समय यहूद अपने अपना घर छोड़कर तंबू में रह गए करते थे। यहूदियों ने अपने पूर्वों को मरुभूमि में भटकने फिरने की याद दिलाता था। त्योहार के हर एक दिन पुरोहित शीलाओं को कुंडे जाते वहां से पानी लेकर जुलूस के साथ मंदिर में प्रवेश करते थे। जुलूस में वे कहा करते थे, तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में जल भरेगे। मंदिर में पहुंचने के बाद पुरोहित उस पानी को वेदी पर डालते थे। 7 दिन एक होते या लेकिन 7 दिन मंदिर में प्रवेश करने के बाद सब कोई चुपा को जाते थे। यहूदियों के लिए सिर पर्व काफी महत्वपूर्ण या क्योंकि इस पर्व के धन का वरिष्ठ के लिए प्रार्थना करते थे। वह पर्व यहूदियों को इतिहास से जुड़ा है। यहूदियों के जब मिस्र की बिलावी से बचकर निकल गए थे, जब मरुभूमि में उन्हें प्यास लगी और ईश्वर ने पत्थर से पानी निकालकर उनकी प्यास बुझाई। यहूदियों का एक विश्वास या कि जब मसीह प्रकट होंगे तब मंदिर में संजीवन जल का स्रोत्र फूट निकलेंगे। इसराइल के जैसे देश पर जहां पानी की किल्लत को इस तरह का विश्वास काफी भावना पूर्ण होता था। सिर पर्व के अंतिम दिन सब लोग चुपचाप पुरोहित को पानी वेदी पर डालते देख रहे थे। प्रभु यीशु ऊंची आवाज में भोले उठ जाती, कोई प्यास को तो वे मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करते हैं वह अपने प्यास बुझाई। मंदिर में बहुत ने उन्हें सुना होगा और उन यहूदियों को उनके कथन का सारांश बहुत तुरंत के समझ में आया होगा। जो प्यास को वे मेरा एहसास होना चाहिए कि आप प्यास के अपने अंतर्निहित प्यास के बारे में आगवान को खोने के बुलाहट है। शांति, परिवार, पैसा, पिकनिक आदि से खुशी जरूर मिलती है, पर हम पूरी तरह कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। हम प्यासे को प्यासे रह जाते हैं, हम हमेशा खोजते रहते हैं, एक ना जानकर कि हमें बकाई में क्या चाहिए। जाने अजाने की सगी हमारी आत्मा ईश्वर की प्यासी है। हमारी हर एक चाहत, हमारा हर एक नया कदम उस ईश्वर के ईश्वर को पाने की हमारी आत्मा की पगल का नतीजा है। हम ईश्वर का प्रेम पाने के लिए ही बने हैं। अगर ऐसा है, प्रभु हमसे भी कहते हैं, यदि तुम प्यास के तो मेरे प्यास आओ। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें अपने जीवन सुधारने का आह्वान करते हैं। अब इस संसार के अनुकूल ना बने, हम सबके मन में उनका सवाल हमेशा गूंजता है, लोग क्या कहेंगे। और धीरे धीरे हम अपना जीवन इस कदर बदलते हैं जिसे लोग गुस्सा हो, लेकिन हम अपने सोच अपना जीवन लोगों की नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार बदलना होगा। हम अपने आप से एक सवाल करना होगा कि जो मैं सोचता हूँ, जो मैं करता हूँ, उससे ईश्वर की महिमा का बखान होता है या नहीं। हम अपने टांग के ईश्वर की सेवा में लगाना होगा, ना कि लोगों की मगवा की सुनने के लिए। संत पौलुस आगे कहते हैं, अपने को औचित्य से अधिक महत्व ना दीजिए, लेकिन अधिकार लोग अपने आप को जरूरत जयदाद मांगते हैं। हम जो है सो के ना ज्यादा ना कम, अपने को औचित्य से अधिक महत्व ना दें और ना ही हम अपनी कबलियत को छुपा दे। इस तरह जीवन पवित्र तथा सुग्रह बिली के रूप में हम अपने को ईश्वर को अर्पित कर सके। इस उपवास काल में हम इसके लिए प्रार्थना करें और प्रभु हमें सजीवन जल से हमें अनुग्रहित करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। Here, reflect and be enlightened.